दोस्तों सत्यमेव जयते 2 फिल्म के मेकर्स ने पूरा अपना जी जहान लगा दिया है फिल्म को बेहतरीन से बेहतरीन बनाने में, साथ ही साथ फिल्म को बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से प्रमोट करने में। आपको बता दें दोस्तों कि सत्यमेव जयते 2 फिल्म आ रही है 13 मई को, यानी कि ईद के मौके पर, और सलमान खान यानी कि राधे फिल्म को उसी टाइम पे टक्कर भी देगी ये फिल्म। तो दोस्तों जाहिर सी बात है, जब तक फिल्म का बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से प्रमोशन नहीं किया जाएगा, फिल्म के ज़बरदस्त गाने और ज़बरदस्त तरीके से ट्रेलर वगैरह नहीं आउट होंगे, तब तक फिल्म को पर्दे पे फ़ायदा नहीं होने वाला। अब ऐसे में दोस्तों सारी की सारी स्ट्रेटजी जो है फिल्म के मेकर्स ने बना लिए हैं। आपको बता दें कि फिल्म का ट्रेलर जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि फिल्म के बाकी जो गाने वगैरह होने वाले हैं और फिल्म के डायलॉग्स वगैरह होने वाले हैं, इन सारी चीज़ों को रिलीज़ करने में उनको काफ़ी वक्त मिल जाए। जैसे कि अगर मान लीजिए वो लोग पर डे एक एक चीज़ रिलीज़ करेंगे, यानी कि एक एक दिन के गैप में, तो उतना ज़्यादा क्रेज़ नहीं बनेगा। लेकिन वही अगर एक एक हफ्ते में एक एक चीज़ें आउट होंगी फिल्म से रिलेटेड, तो क्रेज़ ऑटोमेटिक बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म का ट्रेलर जो है आप लोगों को अप्रैल के फर्स्ट वीक में देखने को मिलेगा। जी हाँ, फिल्म के मेकर्स ने यही डिसाइड किया है कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज़ कर दें, ताकि फिल्म को रिलीज़ करने में 1 से 1.5 महीने का टाइम रहे उनके पास, और फिर एक एक हफ्ते कर करके उनके पास कई बाकी चीज़ें जो हैं रिलीज़ की जाएँ, जैसे कि गाने जो हैं फिल्म से रिलेटेड, जो कि 4-5 गाने होने वाले हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं, सबको रिलीज़ करने में काफ़ी वक्त मिल जाए। इसी की वजह से फिल्म के मेकर्स ने ये सारी प्लानिंग जो है बिठा ली है। अब ऐसे में दोस्तों आप लोग कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं सत्यमेव जयते 2 फिल्म के ट्रेलर को देखने के लिए, जो कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में आउट होगा। अपनी राय जो है कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब कर दोस्तों टॉप ओपन फैक्ट्स, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट ऐसे ही मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।